देखो मनीष कैसे भैया अब छगई हन जाए नहीं है मनीष भाई, रोना नहीं है मनीष भैया, रोना नहीं है, रोना नहीं है भैया, सब पूरा पूरा बिहार आपके साथ बढ़िया रहे। कमेंट अभी इनके केस में यही है कि मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। जज साहब का क्लियर कट कहना हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ कि चूंकि वो बिहार के हैं और उस सारे केस में इनको बेल वहां पर मिल चुका है तो तमिलनाडु भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अभी इनके लिए बहुत राहत भरी खबर थी चूंकि वो तमिलनाडु में भाषा खाने पीने का सारा चीज़ वो साउथ कल्चर का होता है तो इनके लिए समझिए काला पानी की सजा जैसी थी। ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक अभी वो बनेगा बेउर के लिए? जब तक अब केस है इनका, जब तक बेल नहीं होता है तब तक वो बिहार के पटना में ही रहेंगे। लेकिन उनके जो भी समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिएगा कि प्रशासनिक कारणों से यदि वो हो हंगामा नाराबाजी करते हैं तो प्रशासनिक कारणों से इनको यहाँ से भेज देगा, जो प्रशासन के हाथ में चला जाएगा। तो इसीलिए उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा उन्मादी नहीं होना है। आपको याद होगा शहाबुद्दीन जी के केस में बेल जब हुआ था और काफिला देख के ही उनको यहाँ से भेज दिया गया था। तो प्रशासनिक कारणों का भी बहुत सारा होता है तो इनके समर्थकों को बहुत अभी संयम बरतने की जरूरत है। अभी बेल के लिए आवेदन करना है। अभी जो इनके ऊपर संकट था कि इनको फिलहाल यही देखना था कि ये यहाँ पर पटना में रहते हैं कि नहीं, तो अभी एक लाइन में आर्गुमेंट में यही कहा गया कि उनके सारे केसेस में वहाँ पर बेल मिल चुके हैं और यहाँ का जो मामला है वो अब यहीं पर लंबित है। डे बाय डे इनकी सुनवाई में यदि कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की भी बात होती है तो इसी बिंदु पर सारे बात है। उसमें एक और को अक्यूज जो थे युवराज सिंह, जिनको भी आज आरा जेल से यहाँ प्रस्तुत किया गया, उनको भी अब वहीं पर भेजा जा रहा है बेउर में। यही फिलहाल की खबर। अभी सारे केसेस में इनको जो है सो लेके अब सुनवाई नहीं हुई है। अभी ये इस मुद्दे पर तय था, लोगों के इनके समर्थकों में चिंता इस बात की थी कि क्या इनको पटना में रखा जाएगा या बिहार से बाहर भेजने की तमिलनाडु वाली खतरा है। तो वो संकट अभी चल चुका है। माननीय न्यायालय में इस बात को स्वीकार करते हुए कि नहीं, जब तक मैं हूँ अभी इनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि तमिलनाडु पुलिस कोई मांग करती है तो वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात होगा। तो वो तमाम तरह की बातें अभी न्यायालय में। एनएसए का क्या होगा? एनएसए पर बिंदु पर कोई बात नहीं। कश्यप जिंदाबाद! अरे मनीष कश्यप जिंदाबाद! वहाँ पर जो छह केस उस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनसे बात करें ना कि इनको ले जाने का आवेदन करें। और मान लीजिए कि छह महीने के बाद एक्सटेंड होता है आपका एनएसए और यहाँ पर सब में बिल मिल गया, तब क्या होगा? एनएसए का कस्टडी इनका यही है और यहाँ पर सब में बिल मिल गया तो बेल मिल गया तो रिलीज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो अभी की ज्यादा सुनवाई चल रही है उसके आपसे कब तक बेल मिल जाएगा? क्योंकि सबको बिल मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ यदि इस सब मामले में एक महीना के अंदर में इनको अधिकतम एक महीना के अंदर में, मुझे अब पहले कहना न्याय के प्रिजुडिस हो जाएगा लेकिन अनुमानित चूंकि मैं बता रहा हूँ तर्कसंगत बात कि इसमें अन्य अभियुक्तों को बेल मिल चुका है। बहुत सारे अभियुक्त को बेल मिला है, सेम ग्राउंड सेम धाराओं पर इन पर भी मामला था। तो अभी ये परिस्थिति है कि इनको अधिकतम एक महीना के अंदर में इनको उससे कम भी आप मान के चले 15-20 दिन में इनको बेल मिल जाएगा। लेकिन जेल में जहाँ तक एनएसए का सवाल है तो उसको भी 3-3 महीना पर उनको रिव्यू करने का बोर्ड के सामने होता है। तो चूंकि तमिलनाडु मामले में सभी को बेल मिल गया, बिहार में जितने मामले लंबित रहेंगे उसमें सभी में बेल मिल जाएगी, तो इनके ऊपर एनएसए लगाने का
बहुत ज्यादा जो है सो औचित नहीं बनता है। हाँ। तो ऐसे परिस्थिति में आप यही उम्मीद जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं फूल फेंक रहे हैं खुश हो जाएंगे 30 दिन में जाएंगे। आप ऊपर कर लीजिए, इसमें एक चीज आप जान लीजिए कि अभी फूल माला ये देखिए प्रशासन के पास बहुत शक्ति होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर का माने एक हवाला देते हुए इनको यहाँ से बाहर शिफ्ट कर सकती है, तो इनकी मुसीबतें बढ़ सकती है। इसीलिए लोगों को बहुत संयमित रहना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। अभी इनके व्यवहार को देखकर न्यायालय को लगा कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ऐसे परिस्थिति में इनको रहम करते हुए और लॉ के पॉइंट पर भी समझते हुए इनको फिलहाल बिहार में ही रहने के लिए आदेश दिया। जज साहब ने एग्जैक्ट जज साहब का कहना था कि ये बिहार के हैं तो इनको बिहार के बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तब बहस के दौरान ये कहा गया कि कब तक रहा जाए इनको यहाँ पर, तो बोले जब तक मैं हूँ अब तब तक ये यहाँ से बिहार से बाहर नहीं जब तक मैडम है वहीं जाए। इनका ये बात एग्जैक्ट वर्ड था, लेकिन चूंकि उनको लगा कि कुछ इनजस्टिस की बात है, चूंकि इसमें जो भी आप मामले देखेंगे तो इनके खिलाफ जो मामले बने थे उसमें सभी में डिफॉल्ट बेल इनको मिल गया था, तो यही सब सारी मामला है। तो आप अभी इनके लिए बहुत राहत की खबर है। चलिए वकील साहब का आइए सर, बैक 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 चलिए।